था। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला था 1 माइनस सम ऑफ रिड्यूअल्स डिवाइडेड बाय टोटल सम। ठीक है, अब जो आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर है उसका मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस एम माइनस वन, जहाँ एन है नंबर ऑफ रोज एंड एम है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो भाई ये एडजस्टेड आर स्क्वायर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका पहले मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमने कुछ फीचर्स लिए, ठीक है। अब मैंने कुछ फीचर्स लिए जैसे कि इसमें हैं एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट नेम, ऑफिस नंबर एंड सैलरी। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट पड़ता है सैलरी पर काफ़ी, डिपार्टमेंट नेम का इम्पैक्ट पड़ता है सैलरी पर काफ़ी ज़्यादा, एंड जो ऑफिस नंबर है उसका सैलरी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जो ऑफिस नंबर है वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है, सैलरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लूँगा तो जो आर स्क्वायर मेथड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? आर स्क्वायर मेथड हमेशा ये थिंक करता है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ें, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, कौन से? इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा डेटा पोर्शन हम कवर पा रहे हैं वेरिएशन का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम कि आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। डजेंट मैटर कि उस वेरिएबल का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई ये तो दिक्कत है, दिक्कत है ना, काफ़ी दिक्कत है कि अगर आर स्क्वायर की मेथड ऐसे बढ़ते चली जाएगी और कंसीडर इस बात को कंसीडर कर ही नहीं रहे कि मतलब उस वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो ये दिक्कत वाली बात है। इसके लिए अब हम लाते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या बोल रहा है? एडजस्टेड आर स्क्वायर ये बोल रहा है कि मान लो कि कोई फीचर आया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई फीचर आया ऑफिस नंबर जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा सैलरी पर ज़्यादा, तो क्या होगा? मैंने अपने आर स्क्वायर मेथड से वैल्यू कैलकुलेट करी सबसे पहले, ठीक है, तो मेरे आर स्क्वायर मेथड से मेरे आर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। इसको मैंने यहाँ पुट करा फॉर्मूले में, 1 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर। एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एम है टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, मतलब ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैंने इस कॉलम की वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पर वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी कि नहीं, क्योंकि एन हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स को। तो अगर मैं प्रिडिक्टर बढ़ाऊं तो सीधी सीधी बात है कि इसकी वैल्यू तो कम होगी, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी इस टोटल की। जो एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस एम माइनस वन है, क्योंकि ये है ना एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस एम माइनस वन, अगर मैं इसकी वैल्यू कम करूं डिनोमिनेटर की तो टोटल वैल्यू तो बढ़ेगी ही हमारी इस पूरे फॉर्मूले की। तो भाई इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब अगर मैं 1 माइनस आर स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी टोटल वैल्यू भी बढ़ गई। जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हुई इसमें और हम 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो रही है ना, बड़ी हो रही है ना, और अगर उसको हम 1 माइनस से माइनस करेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? समझाता हूँ दोबारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा रहे हैं,
अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा रहे हैं तो ये जो टोटल लिखा है ना, वन माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस एम माइनस वन, ठीक है। अगर मैं अपने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड अगर इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसको हम वन में से माइनस करेंगे तो हमारा जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि वन में से हम माइनस कर रहे हैं ना, बड़ी अगर जितनी बढ़ेगी उससे उससे एडजस्टेड आर स्क्वायर की तो कम हो जाएगी वैल्यू, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमारा आर स्क्वायर आया था 0.7 तो एडजस्टेड आर स्क्वायर हो जाएगा 0.65, मतलब कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने एक ऐसा वेरिएबल ऐड किया जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। और ऐसा केवल तभी होगा जब हम कोई ऐसा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा खास उसका मतलब नहीं है, तब हमारे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज़ करते हैं। अब मैं कहूँ कि कोई एक ऐसा वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इफेक्ट करता है, जैसे कि मैं ले लूँ असाइनमेंट, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस वेरिएबल को कंसीडर करूँगा तो जो वैल्यू है वो ये जो सैलरी है हम उसको ढंग से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है ये भी सैलरी पर इफेक्ट डाल रहा है, तो मतलब मैंने बेफालतू का कोई वेरिएबल नहीं लगाया, सही वेरिएबल लगाया है। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि हमारे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा, अगर हम इम्पेक्चुअल चीज़ ऐड कर रहे हैं तो। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमने ये जो आर स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट किया तो हमारा आर स्क्वायर आ गया और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लो कि पहले 0.5 थी और इस बार हो गई 0.7 इस वैल्यू को ऐड करने से, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे पहले 0.5 था तो पहले तो 0.5 आ रही होगी, अब 0.7 आ गया इसको ऐड करने से, तो अब कितनी आ जाएगी, 0.3, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गई छोटी हो गई। और अगर इस छोटी वैल्यू का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, मतलब इतना कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। एंड जब हम वन में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो हमारा जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्या सोचना है कि भाई जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है ये, क्यों यूज़ में लाया गया, इसलिए यूज़ में लाया गया, ज़्यादा कैलकुलेशन में मत घुसना, इसलिए यूज़ में लाया गया क्योंकि जो आर स्क्वायर मेथड है अगर हम उससे कोई ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई खास कोरिलेशन नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल से, तब भी आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, घटनी चाहिए। अगर मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज़ करूँगा तो अगर इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ वैल्यू तो हाँ एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू घट जाएगी, जो कि होना चाहिए। एंड अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल लाता हूँ जिससे हाँ एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो रही है, उसका कोरिलेशन निकल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो इस कमी को ओवरकम कर रहा है, ठीक है। अब आर स्क्वायर को चूंकि ख़त्म करना है इस वीडियो में, इसलिए मैं और चीज़ें बताता हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा मॉडल अच्छा होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर की 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो हाँ ये 100% ऑफ डेटा वेरिएशन कवर करेगा, ठीक है। अगर 0 है इसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर है 0 तो ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, घटिया मॉडल है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 आ रही है कुछ भी कवर नहीं कर रहा है,
बिल्कुल ऐसी अंधाधुंध कोई लाइन खींच दी है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी हाई होगी हमारा मॉडल उतना ही अच्छा होगा। सो दिस इज अबाउट आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, जो मैंने समराइज कर दिया। एक बार मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ कि क्या थे ये। हमें अपना मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है उसको जानने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आर स्क्वायर की, एडजस्टेड आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर मेथड की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही हमारी प्रिडिक्शन लाइन बेटर होगी, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या फ़ायदा है कि ये फालतू के वेरिएबल्स ऐड करने पर आर स्क्वायर की वैल्यू को कर देगा कम, जबकि आर स्क्वायर बढ़ा देगा। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जब हम रियली कोई ऐसा वेरिएबल ऐड करेंगे जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू को बढ़ा देगा। सो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर।